Assalamualaikum, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निदा अहमद खान व्लॉग्स। क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? मैंने कुछ किया नहीं है, फिर बिलावजी रो रही हो है, हुआ क्या? जरूरी नहीं है हर लड़की खुश हो शादी के बाद। बस कर जाओ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अब बिलावजा की बातों पे ही ये देख लें, जितना ये मुझे रुलाता है ना। अच्छा बताओ तो सही, क्या हुआ है? खुद ही बताए, कैमरे में नहीं इतने आ रहे हैं मेरे आंसू और आंखें लाल जो सामने से हो रही हैं। कोई बात नहीं, आंखें लाल जो हो रही है ना वो सिर्फ इस वजह से हो रही होंगी क्योंकि आगे रखे हैं टमाटर लाल लाल से और उसके आगे रखे प्याज, जिसकी वजह से आपको मिर्चें आंखों में लग रही हैं। मैं प्याज काट रही हूँ जिसकी अहमद अब इसको वैसे नहीं गिरा दिएगा। मैं प्याज काट रही हूँ जिसकी वजह से मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, अभी रुके और इन्होंने वीडियो ऑन की है, पहले बना लेते पहले तो रुक ही नहीं रहते। तो गाइस आज हम, जैसे कि आपको पता है कि आज हम घर पे हैं तो आपके सामने हैं, तो हम घर कहीं गए नहीं क्योंकि लाहौर में बारिश हुई है और ये वजह नहीं है। पहली वजह ये है कि आज जहाँ जाना था उनसे रابطہ नहीं हुआ जिनके पास जाना था। ये देखें इसको जरा लगी पड़ी है किसी तरह, मेरे पैर पहुंच जाए प्लेट से गिरा दूं चीजें। और दूसरी बात ये थी, अब आप बताएं। और दूसरी बात ये कि लाहौर में जो है आज बारिश हुई है जिसकी वजह से ठंड की शिद्दत में इजाफा हो गया है और मुकद्दस की भी थोड़ी तबीयत जो है वो हल्की फुल्की सी ना अप एंड डाउन हो गई थी, लेकिन अब अलग अलग ठीक है। उसको ऐसे ऐसे लग रहा था हल्का सा ना, इसको लगता ही रहता है, पैराडोल पिला दी थी तो अब ठीक है। तो उसको ये सब लगता ही रहता है, जैसे अभी आंखों में मिर्चें लग रही है इसी तरह इसको बुखार का भी लगता रहता है। हर टाइम मुझे कहती थी इसको हो रहा है, इसको हो रहा है, इसको हो रहा है, मैं कभी नहीं हो रहा, मेरे हाथ ठंडे हो रहे होते हैं, मुझे लगता है शायद इसको बुखार हो रहा है। हाँ तो बहरहाल अभी ये आज मैं क्या काट रही हूँ आप देख सकते हैं, प्याज काट क्यों काट क्यों रही हो? हाँ रुके, इधर दिखाएं, मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, सब आंखों में आंसू इतने आ रहे हैं। मैं बना रही हूँ आज, मेरी आंखें नहीं खुल रही, मैं आज बना रही हूँ कलेजी। तो हम लोग कलेजी कैसे बनाते हैं, कलेजी वो मैं आपको दिखाती हूँ। आंखें नहीं खुल रही भाई, आज का जो है सीरियस नहीं है, थोड़ा आज का थोड़ा फनी शनी। तो आज बनेगी कलेजी। हाँ ये कलेजी नहीं खाते हैं लेकिन मैं खाती हूँ, इसलिए कलेजी बना रही हूँ क्योंकि इनका फेवरेट बना हुआ है, तो कह रहे थे आज भी तुम्हें बना रहे तो बना लो। तो इनका फेवरेट काली दाल चावल तो बना हुआ है, और अब दोपहर में हमने खाई थी बिरयानी, लाहौर की बिरयानी मतलब पुलाव। तो अभी मैं बना रही हूँ कलेजी, ये देखे कितनी तेज है, अभी इसको ये टोपा भी उतारना आ गया, अभी कुछ दिनों तक नहीं आ रहा था। चलो पहले तो कलेजी बना रही हूँ, तो हमारे साथ रहिएगा पूरी कलेजी देखिएगा। अभी ब्लॉग रेडी है, हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, बीच में हिस्सा है तो उसमें देखे बिहाइंड द सीन ये काम हो रहा है इसका, ठीक है। ये सारे मसालों के ढक्कन खोल दिए गए हैं ताकि पूरे घर में धुआं और ये बनानी नहीं थी मिट्टी वगैरह ये बच जाए। और यहाँ पर साथ साथ इनका सिनेमा हॉल भी चल रहा है, यहाँ पर टीवी चल रहा है इनका। तो बहरहाल ये जो है ये सारा बिहाइंड द सीन है, ठीक है। तो ये सारा बिहाइंड द सीन हो रहा है, तो भाई जान अभी आपको पता नहीं कब मिलेगा। तो भाई सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, ठीक है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, ये तो जीरा डाला है, गरम मसाला डाला है, जीरा गरम मसाला मिक्स है। मैं जरा प्याज उठा लूँ, तो ये मैं प्याज और इसमें मैंने सिर्फ दो हरी मिर्चें डाली क्योंकि मुझे बघार में अच्छी लगती है खुशबू। ये वही चीजें हैं भाईजान जो जिससे से इसकी आंखों में आंसू आए थे और ये रो पड़ी थी, वजह प्याज थी आपने। हाँ वजह ये बनी, बता दें आपने तो मेरी आंखों में कभी आंसू लाए ही नहीं है। जी हाँ जी हाँ, आपने आपको भी तो ले, आप कैसे खड़ा रहे देखो मोटो की तरह। यार मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मुकद्दस मेरे हाथ में है, मैं सारी चीजें रख ली सिवाय चमचे, जब बताए चलाऊं किसे अब लेकर आती हूँ। तो
इसे कहते हैं सोबर। तो भाई ये देख लें, प्याज जब तक ब्राउन होती है, हल्का सा करूंगी, हल्की सी ब्राउन, ज्यादा नहीं, हल्की सी ब्राउन करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। आपको कुछ कहना है? मुकद्दर देख रही कैसे बना रही है। बेहतर है, मम्मी का पारा दिखा। चले तो गाइस यहाँ पर जो है तकरीबन अस्सलाम वालेकुम उसका शुरू है, सिर्फ वीडियो की आवाज आई, मेरी बेटी को अस्सलाम वालेकुम शुरू कर देती है ये। तो यहाँ पर यहाँ पे हो चुकी है प्याज, देखे हल्की ब्राउन हो चुकी है प्याज, थोड़ा आप करीब करीब दिखा सकते हैं थोड़ी सी। हाँ नहीं पर सही है, अभी दूर से सही है। ऐसे हाथ यूं लाएं वापस ले जाएं। हाँ ये देखें, बस कैमरे पे गरम गरम जाएगा, एक चिकन यूं रखेगा, बहुत अच्छा एंगल आ रहा है थोड़ा इधर। हाँ तो ये हमने इसमें पहले अदरक लहसुन डाला, तो हाँ हाँ देखें ये मैंने डाला, और ये डालकर मैं थोड़ा सा पहले इसको प्याज में मिक्स कर दी, और फिर मैंने इसमें कलेजी डाल दी। ये एक दो बोटियां मैंने अहमद के लिए डाली, क्योंकि अहमद कलेजी नहीं खाते, तो मैंने कहा चलो बोटी सब टेस्ट कर लेने। तो ये देखें, और अब मैं इसको कलेजी को अच्छी तरह इसमें भूनूंगी और फिर आपसे मिलती हूँ। कॉल आ रही है, आपको पीछे कर सकते हैं आप। यहाँ पर नीता जो है वो कलेजी बना रही है, साथ साथ में दो बोटियां मेरे से भी डाल दी इसने, मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान है ये इसका। आगे तो लाएं, देखें कितनी अच्छी भुन गई, ब्राउन कलर की हो गई है बिल्कुल, देखा आपने, एक मिनट लाइने भी आ गई, देखा आपने कि ये भुन गया था। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये टमाटर, टमाटरों को आप देखें करीब करके दिखा दे, क्यूब में कटे हैं बारीक बारीक, देखा ये मैंने बिल्कुल बारीक टमाटर काटे हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कटे हुए हैं। हाँ। जैसे कि वो मोटा कीमा नहीं होता। हाँ। उस तरह है, लेकिन ये हाथ का हुआ है, वो मशीन का होता है। और इनको अच्छी तरह मैं इसके साथ मिक्स करके अब मैं इसमें ऐड करूंगी आटा, मसाले, आटे की तरह की एक्टिंग की थी मिक्स कर रही थी ना। तो मैं ये मिर्चे डाल रही हूँ, सिर्फ आधा नाप, ज्यादा नहीं डाल रही हूँ, आधा नाप मिर्चे डालनी है, और नमक डाल दूंगी बस करीब ही ना, नमक मैं डाल रही हूँ फिलहाल अभी एक नाप, ठीक है, क्योंकि कलेजी में वैसे भी कम डालते हैं, और धनिया भी डालूंगी। अच्छा गाइस आप लोग ये देख लें कि एक नाप जो है ना हमारा वो इस चम्मच के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अब आप एक नाप जो है वो अपने घर में खाने की चम्मच ना उठा लेना। हाँ, हल्दी थोड़ी, हसबे जायका, हसबे हाल होता है ना जैसे। हाँ, हसबे जायका, ये एक मसाला है, ये थोड़ा सा ऐड करूंगी मैं, नमक वाले से ले लो, नमक वालों से ले लो, उधार ले लो नमक वाले से। हाँ, तो ये मैं थोड़ा सा मसाला ऐड करूंगी इसमें, ठीक है, हो गया सारे मसाले, ठीक है हो गए सारे मसाले। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें अभी नहीं, कितने प्यारे लग रहे हैं मसाले डालने के बाद। तो अब हम इनको मिलाएंगे, रिंगर रिंगर टिश्यू, मेरी बेटी को पीछे लगो मामा जी जानी को। ये देखें कल है लेजी बन गई है भाईजान पूरी यहाँ पर माशाल्लाह से। अच्छा सर्दी गए थे ना इनको जब पानी में हमने किया ना, तो ऑलरेडी थोड़ी सी बन चुकी थी वो, है ना। ऐसे मजाक कर रहा हूँ मैं, झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा इसमें मैं एक चीज अभी ऐड कर लेती हूँ, खैर है कोई बात नहीं, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अब दही, दही दही डालते हैं, ये थोड़ी दही तकरीबन एक पाव होगी मेरी, या एक पाव से थोड़ी कम है, या एक पाव होगी कम है, एक पाव से तकरीबन सारी डाल रही हूँ, क्योंकि ना इनको ग्रेवी पसंद है, और मैंने इसमें प्याज, तो भाई ग्रेवी पसंद है लेकिन मैंने तो खानी नहीं है। हाँ मैं मसाला खा सकता हूँ उसका, मेरी बात सुनो, इसमें इनको ना ग्रेवी पसंद है इसलिए मैंने दही प्याज भी डाली ताकि ग्रेवी ज्यादा बने, वरना मैं प्याज कम डालती हूँ, टमाटर ही ज्यादा रखती हूँ और दही, लेकिन इनको ग्रेवी पसंद है तो मुझे प्याज डालनी पड़ी, दो प्याजें डाल दी मैंने इतनी सी कलेजी में, इसलिए मैंने दही को थोड़ा ज्यादा डाला है ताकि मजेदार सा मसाला बने। तो अब मैं आपको इसको मिक्स करके दिखाऊँ, देखिए शक्ल अभी से कितनी अच्छी हो गई है, और ये जो पानी निकला है ना देखें इसी में ही शायद गल जाइए, फिर इसको भून रहे हैं,
वैसे तो मैं इसको अभी भून रही हूँ तेज चूल्हे पे, तो भुनने में अगर जितना गलता है देखते हैं, वरना फिर थोड़ा पानी डाल के छोड़ देंगे। तो यहाँ पर सब कुछ भून गया है, और ये जो जो प्याज और टमाटर काटने के कारण ये रोई थी ना, ये रखे क्या, ये आंखों के नीचे इनका आई लैशेस बिखर गया है। अच्छा मस्कारा, हाँ मस्कारा कहते हैं। अच्छा मस्कारा लगाया था। अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि अभी ये बस भुनेगा, भुनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, जब तक ये इनकी बात सुन। हाँ तो फिर मिलते हैं आपसे भुनने का। तो गाइस ये रखे बिल्कुल घर वाली शक्ल लग रही है, बिल्कुल घर वाली मतलब बाजार वाली शक्ल लग रही है, बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है, टेस्टी यमी यमी था। लेकिन अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा और भुनेगा ये, बिल्कुल भुन ही गया, देखे तेल अलग हो गया ना, ये देखे अच्छी तरह भुन गया, इससे तेल ही तेल निकल रहा है, पानी नहीं है, ये कलेजी का तेल निकल रहा है। और अब इसमें अब देख लेती हूँ, अगर गल गया है तो ठीक है, नहीं गला है तो थोड़ा सा पानी डाल के ढक दूंगी हल्के चूल्हे पे, फिर आपको दिखाऊंगी। लुक तो तब तक आप इसके देख देख के इसके मजे लें, फिर जब ये रेडी होगा फिर हम खाएंगे। अब लग रहा है तो देखें, लगने भी लग गया अब नीचे, इसमें थोड़ी सी बिल्कुल है कि इसको थोड़ा सा और पकाना चाहिए, मतलब गलाना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल के, और अब मैं इसको ढक रही हूँ और बिल्कुल हल्के चूल्हे पे कर रही हूँ। देखिए यहाँ क्या चल रहा है, स्ट्रॉन्ग उज़्मा की वीडियो जो अभी अभी अपलोड हुई है ये देखी जा रही है यहाँ पर, और यहाँ मेरी कलेजी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। तो ये देखें आप, मैं अभी इसको किसी डिश में अच्छे से डिश में निकाल लेती हूँ, तो फिर आपको दिखाती हूँ। और इसका टेस्ट बहुत मज़े का लग रहा है, मैं आपको बहुत ही यमी, ना लेमन डालने की ज़रूरत है ना कुछ, बिल्कुल मजेदार चटपटा। अहमद आप एक तो खा के देखे ना भाई, लेमन डालने की जरूरत नहीं, लेकिन नींबू की जरूरत पड़ेगी। नहीं किसी भी, आप दिल खा के देखें, दिल खाते हैं? मैं दिल बनाता हूँ, खाता नहीं हूँ। अब बताए कैसा है, सुने आप हर दफा इतनी देर मगन हो जाते हैं। अच्छा बना हुआ है लेकिन मैं खाता हूँ वैसे। हाँ तो लेकिन देखा आप, खाने के बाद मैं खाता हूँ ऐसे, इतने शौक से नहीं खाता लेकिन खा लूंगा। चलो हाँ, मजे का बहुत बना हुआ, भुना हुआ बिल्कुल बनाया है, मजेदार जबरदस्त सा, दिल बहुत छोटा सा मुर्गी का जो था। हाँ चलें सही है, अब आप क्या लाएंगे? मैं लाऊंगा इसके साथ चावल, रोटी रोटी आएगी। चलो आएगी तो फिर देख मिलते हैं। गर्मा गर्म कलेजी रेडी है, हमारी कलेजी हो चुकी है रेडी। तो अब मैं हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। तो भाई आज की वीडियो, तो आज की वीडियो हमारी यहाँ तक की थी। तो हम कलेजी खाते हैं, खा के फुल एंजॉय करते हैं, अपना दिन अच्छा और गुजारते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए, और बना के जरूर ट्राई करिएगा, ट्राई करें तो आप जरूर कमेंट करिएगा कैसा बना हुआ आपको, जरूर बना के देखिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।